दोस्तों रॉयल रोम्बल इवेंट हो चुका है एंड अब हम ऑफिशियली रोड टू रसलमेनिया पर आ चुके हैं एंड इसी के चलते रोमन रैंक्स के करंट रसलमेनिया प्लेन्स सामने आए हैं एंड इसके अलावा भी काफी सारी रसलिंग अपडेट्स हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक देख लो एंड हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको यहाँ पर लेटेस्ट रसलिंग अपडेट्स मिलती रहती है, तो हाँ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं ब्लड लाइन से। तो रॉयल रोम्बल की एंडिंग ने सबको हिला के रख दिया। रोमन रैंक्स ने जानबूझकर सेमी जेन को मजबूर करा उनसे बेट्रायल करने के लिए, लेकिन जे उसो को समझ में आ गया कि रोमन गलत है एंड इसीलिए उन्होंने रिंग छोड़कर बैक स्टेज में जाने का फैसला किया। लेकिन अब जे उसो ने ट्वीट करके लिखा है आई एम आउट ब्लड लाइन, यानी सेमी जेन के बाद जे उसो भी ब्लड लाइन से आउट हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल सिचुएशन क्या है इसका पता हमें मंडे नाइट रो या स्मैकडाउन में चलेगा, जिसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। बात करें अगली स्टोरी की तो कल रॉयल रोम्बल की बैक स्टेज में कोडी रूट्स के साथ ऑल एलीट रेसलिंग के स्टार रिकी स्टार्क्स को सपोर्ट किया गया है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। बाकी रिकी स्टार्क्स एंड कोडी रूट्स अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसीलिए रिकी स्टार्क्स कोडी रूट्स को सपोर्ट करने के लिए कल रॉयल रोम्बल के बैक स्टेज में मौजूद थी। इसी के साथ एक ये फोटो सामने आई है जिसमें फुल ब्लड लाइन यानी अनोवा फैमिली को देख सकते हो, जिसमें नाया जेक्स, द उसोज, सोलो सिकोवा, टमिना एंड इवन द रॉक की मदर भी है, तो मैंने सोचा आपको ये फोटो दिखानी चाहिए। बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। तो ब्रोक लेसनर एंड गुंथर कल रॉयल रोम्बल इवेंट में फेस टू फेस हुए थे, जिसके दौरान लेसनर ने गुंथर को एक सुप्लेक्स एंड काफी सारे पंचेज एंड एल्बोज लगाए थे। लेकिन अब रसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्टर ने कंफर्म करा है कि गुंथर एंड ब्रोक लेसनर के मैच का प्लेन कैंसिल हो चुका है एंड अब रसलमेनिया 39 में ब्रोक लेसनर एंड बॉबी लेसली मेगा मैच होगा। बाकी लेसली ने रॉयल रोम्बल इवेंट में लेसनर को इलिमिनेट किया था, तो हो सकता है कल मंडे नाइट रो में लेसली एंड लेसनर के बीच ब्रावल सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी फिलहाल रसलमेनिया 39 के लिए ब्रोक लेसनर एंड बॉबी लेसली का मेगा मैच कंफर्म हो चुका है। बात करते हैं अगली स्टोरी की। तो कल रॉयल रोम्बल इवेंट में ब्रे वाइट एंड एले नाइट के मैच में अंकल हाउडी स्टेज से टेबल पर जंप लगाते हैं, जिसके दौरान अंकल हाउडी एले नाइट पर नहीं गिरते बल्कि वो उनकी साइड में टेबल पर गिरते हैं, जिसकी एक वीडियो किसी फैन ने बनाकर पोस्ट करी थी एंड ये कोई बोच नहीं था बल्कि WWE का प्री प्लान था, जिसके दौरान अंकल हाउडी को एले नाइट की वजह टेबल पर जंप करना था, जिसके बाद वो फायर वाला सीन हमें देखने को मिला था। बाकी अगर आप लोग सोच रहे हो अंकल हाउडी ने एले नाइट पर जंप करा है तो ये गलत है, एले नाइट के ऊपर उन्होंने जंप नहीं करा। बात करते हैं फाइनल स्टोरी की। तो ट्राइबल चीफ रोमन रैंक्स ने रॉयल रोम्बल में केविन ओवंस को बीट करके एक बार फिर से अपने टाइटल्स रिटेन कर लिए। लेकिन दोस्तों अब रिपोर्ट है एक्सेरो न्यूज की तरफ से, हालांकि कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन फिलहाल सिचुएशन के अकॉर्डिंग WWE रसलमेनिया 39 की नाइट वन में रोमन रैंक्स एंड सेमी जेन का यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच करवा सकती है एंड नाइट टू में रोमन रैंक्स एंड कोडी रूट्स के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए मैच हो सकता है, यानी रोमन रैंक्स के दोनों टाइटल्स सेपरेट मैचेस में डिफेंड किए जाएंगे। बाकी द रॉक नहीं आ पाए जिसकी वजह से WWE ने सभी प्लेन्स चेंज कर दिए एंड बहुत जल्द रोमन रैंक्स के रसलमेनिया 39 को लेकर रियल प्लेन्स कंफर्म प्लेन्स सामने आ जाएंगे। बाकी ये जो फिलहाल प्लेन्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं ये 100% कंफर्म नहीं है, तो देखना होगा WWE रोमन रैंक्स एंड कोडी रूट्स के मैच को किस तरह से रसलमेनिया में करवाती है। तो बस ये थी अपडेट की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो आपको बताना चाहूंगा कि मैं वीडियो डेली डालता हूं, लेकिन दोस्तों आप लोग उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं देते, तो प्लीज कॉमेंट क्या करो, अगर आप लोग कॉमेंट करोगे किसी भी टॉपिक पर तो मैं वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं एक्साइटेड होता हूं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन दोस्तों आप लोग उसका रिस्पॉन्स नहीं देते तो वीडियो बनाने का मजा नहीं आता। तो प्लीज रोड टू रसलमेनिया आ चुकी है, आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और आपको हर वीडियो
लेटेस्ट न्यूज के साथ मिलेगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।